अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर रोशन थी, क्योंकि हमारे पास, समझिएगा इस चीज को, जो आज विवाद हो रहा है ना इस चीज को लेकर कि अमर जवान ज्योति बुझा दी गई, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर थी क्योंकि हमारे पास कोई अपना राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल नहीं था। अब तक इंडिया गेट पर थी ये अमर जवान ज्योति, जो प्रज्वलित थी, जो ज्वाला अमर जवान ज्योति की, वो इंडिया गेट। और इंडिया गेट क्या है? ब्रिटिश सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक जो अंग्रेजों ने बनाया। हमारे पास अपना कोई वॉर मेमोरियल नहीं था 1972 तक। हमारे पास कोई अमर जवान ज्योति भी नहीं थी 1972 तक, और 2019 तक हमारे पास कोई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं था। आज है। इसलिए इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में आज विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति की ज्वाला, उसका आज एक मशाल जलेगी अब नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब से कुछ देर पहले अमर जवान ज्योति की ज्वाला नेशनल वॉर मेमोरियल के अमर चक्र में जलने वाली लौ से उसे मिलाया गया। और पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में, अमर जवान ज्योति में आज विलय हो गया। गौरव का पल था आज। जिसने भी तस्वीरें देखी वो उसका सीना गर्व से चौड़ा हुआ, गौरवान्वित महसूस किया हमारे देश के वीर सपूतों। और हर जवान का सम्मान, ये समझिएगा, 47, 62, 65, 71 हर लड़ाई के जवानों का सम्मान, नेशनल वॉर मेमोरियल। लेकिन गर्व के और गौरव के इस पल से पहले ही आज कांग्रेस की तरफ से इस पर भी खूब सियासत हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे बुझा दिया गया। अब सरकार कह रही है बुझाया नहीं गया, उसका विलय किया गया, ज्योति का विलय हुआ है। अमर जवान ज्योति की मशाल अब और प्रज्वलित तरीके से नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे बुझा दिया गया। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे? अमर जवान ज्योति तो नेशनल वॉर मेमोरियल में वो तो जल ही रही है, वो तो जली है, बल्कि उसका तो विलय हुआ है, ज्योति का विलय। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया, बहुत दुख की बात है। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। अच्छा, जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, स्मृति ईरानी की तरफ से। स्मृति ईरानी कहा कि जिन्होंने जवानों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगा, शहीदों को समर्पित प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि नहीं दी, सुना है वो आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोई कह दे उनसे सच्चे राष्ट्रभक्त भारत के टुकड़े का नारा लगाने वालों का समर्थन नहीं करते। जिन्होंने जवानों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगा, शहीदों को समर्पित प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि नहीं दी, सुना है वो राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है और हम लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं, शहादत पर सियासत कैसी है ये फितरत?